हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनाइड। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। दिस वी हैव डिस्कस्ड एज इट इज इट अपोजेज एनी चेंज इन द करेंट इन ए सोलेनाइड। फिजिकली द सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज एल प्लेज द रोल ऑफ इनर्सिया। इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। जिस तरह से मैकेनिक्स में मास का रोल होता है कि इनर्सिया प्रोवाइड करता है, दैट इज वो किसी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देता है, मतलब स्पीड बढ़ने नहीं देता है या स्पीड को कम नहीं होने देता है। इसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस जो एल है वो भी किसी कॉइल में करंट को बढ़ने या घटने का विरोध करता है, ना तो उसका करंट बढ़ने देता है और ना ही कॉइल का करंट डिक्रीज होने देता है। तो अगर वी आर गिविंग करेंट इन ए सोलेनाइड, करेंट अगर सोलेनाइड में इंक्रीज हो रही है तो वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ। तो ज़बरदस्ती बैटरी को वर्क करना पड़ेगा तब जा करके सोलेनाइड में करंट बन पाएगी इन इस्टेब्लिशिंग द करेंट। और ये जो वर्क डन बाय बैटरी है वो इस सोलेनाइड के अंदर फ्लक्स के रूप में भर जाएगी। फ्लक्स तब भरेगा जब इसमें एक करंट बन जाएगी। सो दिस वर्क डन टू इस्टेब्लिश द करंट एंड इस्टेब्लिश ए मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द दिस सोलेनाइड, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स विच इज इनसाइड दिस सोलेनाइड। दिस वी विल स्टडी एंड वी विल फाइंड इट्स एक्सप्रेशन हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इफ ए करेंट आई इज इस्टेब्लिश्ड। सपोज इन दिस सोलेनाइड दिस इज द सप्लाई बैटरी एंड वेन इट इज स्विच्ड ऑन देन इट विल सेंड करेंट 0 to I एंड देन दैट विल फाइनली गो टू ए फुल करेंट कैपिटल आई। सो द करेंट विल बी इंक्रीजिंग। सपोज एट ए मोमेंट द करेंट इज आई इन दिस सोलेनाइड एंड सो इट विल अपोज बाई मेकिंग बैक ई एम एफ। द पोलैरिटी ऑफ बैक ई एम एफ विल बी रिवर्स डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन। द बैक ई एम एफ विल ट्राई टू सेंड करेंट इन अपोजिट डायरेक्शन मेकिंग टू डिक्रीज दिस इंक्रीज ऑफ द करेंट। सो अगेंस्ट दिस बैक ई एम एफ हाउ मच बैक ई एम एफ इज प्रोड्यूस्ड, दैट बैक ई एम एफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। एट ए पर्टिकुलर टाइम वेन करेंट इज आई देन द बैक ई एम एफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड दिस हैज़ टू डू वर्क टू इस्टेब्लिश द करेंट। सो वर्क डन अगेंस्ट दिस बैक ई एम एफ लेट अस फाइंड रेट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड विच द बैटरी हैज टू सेंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज ई एम एफ वैल्यू ऑफ द बाइक ई एम एफ इन टू पोटेंशियल डिफरेंस इन टू करेंट। वाई यू नो पोटेंशियल डिफरेंस इन टू करेंट इज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर एंड दिस डी डब्ल्यू बाई डी टी वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन टू करेंट एंड देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दिस ई बी इज एल डी आई बाई डी टी। सो वी गेट हियर आई इन टू एल डी आई बाई डी टी आई इन टू एल डी आई बाई डी टी एंड देन वी इंटीग्रेट दिस वन टू गेट द टोटल वर्क डन टू इस्टेब्लिश ए पर्टिकुलर करेंट। सो द फुल वर्क डन इज द इंटीग्रल ऑफ दिस आई एल डी आई एंड द डी आई विल चेंज फ्रॉम 0 to a full वैल्यू कैपिटल आई विच गिव्स अस दिस आई स्क्वायर बाई टू। सो दिस इज एल इन टू आई स्क्वायर बाई टू एल आई स्क्वायर बाई टू एंड दिस वर्क डन टू इस्टेब्लिश द आई करेंट इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाई यू कैपिटल यू। इट इज ऑल्सो रिटन एज यू एम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू। लेट अस सी दिस पोटेंशियल एनर्जी
मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ फील्ड बी इन साइड दिस सोलेनाइड स्पेस इन साइड द स्पेस ऑफ दिस सोलेनाइड वी नो दैट द फील्ड इन साइड द सोलेनाइड इज म्यू जीरो एन आई. सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट आई इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू जीरो एन. So this expression becomes B square upon mu zero square n square. And what is L? L we know L is equal to mu zero n square length of solenoid into area of solenoid. And length into area of the solenoid is volume of the solenoid. Suppose this length of the solenoid is L and this area of cross section of solenoid is A, then this L into A is the volume of the solenoid. So L into A is volume. So if we write all these values here, we get 1 by 2 mu 0 into n square into volume into field square upon mu 0 square n square. And then 1 mu 0 will cancel and n square will cancel and volume will be remaining. Magnetic potential energy is half mu 0 b square into volume of this solenoid, where this volume is this area and this length. The space in the solenoid has a volume v and in which the magnetic field is magnetic flux is filled when current I is flowing in this solenoid. That is the energy. So this is the expression, and energy, magnetic energy, magnetic potential energy per unit volume is called magnetic density, which is represented by small u, and this is half mu zero and in the numerator b square. So this is the expression of magnetic potential energy density. So we see here that when a current is flowing in the solenoid, then there is a magnetic potential energy in the space inside the solenoid, similar to when a capacitor is charged, then between the plates there is a kind of potential energy density in the form of electric flux there, and that has also similar expression. If you remember, this electrical potential energy density is half at the place of mu 0, here in the numerator E 0, and at the place of B this is field square for the capacitors. So there is similarity. Let us note one more thing here, that what is the net induced EMF in a coil, let us say primary coil. Suppose this is primary coil and over it there is a secondary coil, 2 is the secondary coil. Then we want to find how much is the net induced EMF. Actually the flux linked with the primary is actually the flux of its own current plus flux of flux in one due to current in second coil. So this is the total flux in one coil, and flux in first coil is mutual inductance of first coil with respect to the first coil and current in it. Let us show it by plus mutual inductance of one with respect to two and current in two.
and by Faraday's law, the induced EMF in the first coil is minus d phi by dt, that is minus d phi by dt. So minus of this first term is m11 di1 by dt, and this is minus m12 di2 by dt. This M11 is actually mutual inductance of coil 1 due to its own current, that is called self inductance. So the net EMF in the first coil induced is minus L di1 by dt, this is dt, and minus this term. So this is the total EMF in the first coil.